वर्णानामर्थसंघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंद्यते सीता राम गुणधामा पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भो स्थित संघार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीतां नतो हम राम बल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमातनोति। एक तो कण कण में विराजमान जो अव्यक्त और व्यक्त दोनों जिस पर अधिष्ठित हैं उस सच्चिदानंद घन परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी और अहेतुकी कृपा जिससे जीव के भीतर एक जिज्ञासा जगती है। एक श्लोक है विद्वानों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है, खंडन खंड खाद्य नाम के ग्रंथ से, ईश्वर अनुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वर अनुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना, उस परम पिता परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है तभी किसी के भीतर अपने स्वरूप को जानने की इच्छा होती है, भगवान से प्रेम करने की इच्छा होती है, सत्संग की इच्छा होती है। बहुत बड़ी कृपा हो तो। और दूसरी चीज है जो हमारी आचार्य परंपरा है, इस कथा को स्वयं भगवान शिव ने दिया पार्वती जी को, क्रम से चलते चलते ये कथा कभी याज्ञवल्क्य ने सुनाया, कभी काकभुसुंडी जी ने सुनाया, कभी भगवान शंकराचार्य जी ने अपने धर्म का उपदेश दिया, और एक नहीं हमारी पूरी गुरु परंपरा आज तक हमारे अपने गुरुदेव, उसके बाद जितने हमारे आचार्य परंपरा हुए उन सब की कृपा है। एक सूत्र है शास्त्रज्ञो अपि असंप्रदायवित मूर्खवद उपेक्षणीय। ये थोड़ा सा विद्वत समाज की बात यहां पर निकल रही कुछ है, ईश्वर कृपा। शास्त्रज्ञो अपि
कोई बहुत बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, कहीं विश्वविद्यालय में जाकर के बड़े बड़े दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर लिया हो, न्याय का, वैशेषिक का, सांख्य का, योग का, लेकिन अगर वो गुरु परंपरा से नहीं है, असंप्रदाय, तो शास्त्रों का विद्वान चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन अगर परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो उसके लिए कहा मूर्खवत उपेक्षणीय। बिल्कुल जैसे समाज में एक मूर्ख की हम उपेक्षा कर देते हैं, ऐसे हमको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए वेद प्रमाण हैं, शास्त्र प्रमाण हैं, व्यक्ति की अपनी मेधा शक्ति प्रमाण नहीं है। किसी की बुद्धि में बहुत बड़े तर्क हों, किसी की बुद्धि बहुत ज्यादा चिंतन कुशल है, हमारे लिए वो आदरणीय नहीं है। हमारे लिए आदरणीय है मेरे शास्त्र, हमारी गुरु परंपरा। हम अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं, भगवान का, गुरुदेव का आशीर्वाद है। हम राम कथा में प्रवेश करते हैं। विषय इस बार का ऐसा है, रामायण में 7 गीताएं हैं, रामचरितमानस में 7 गीताएं हैं, और लगभग हम कभी अगर प्रवचन किए हैं तो एक गीता पर 1 हफ्ते किए हैं, 1 हफ्ते में केवल 1 गीता लिया होगा। इस बार ऐसा विचार में आया कि 7 दिन में 7ों गीता को हम लोग श्रवण कर लें। एक दिन, आज पहले दिन, पहली गीता जिसका नाम है गुरु गीता, जिनके पास रामायण लेके आए होंगे मैं भी बताता हूं। दूसरी गीता आवेगी कल, जिसका हम श्रवण करेंगे, नाम होगा शिव गीता, रामचरितमानस में वर्णन है। तीसरी गीता होगी अयोध्या कांड में, जिसका नाम है लक्ष्मण गीता, लक्ष्मण ने केवट राज निषाद को उपदेश किया है। कुछ चौपाइयां बार बार सुनी होगी, को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन प्राता। चौथी गीता होगी अरण्य कांड में, जहां भगवान श्री राम ने स्वयं लक्ष्मण को उपदेश दिया, 5 प्रश्न हैं उसमें, लक्ष्मण ने पूछा है और भगवान ने 5ों प्रश्न का समाधान किया। कहाउ ज्ञान विराग अरु माया, कहाउ सो भगति करहु जेहि दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहाउ समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। 5वीं गीता आएगी क्रम से हम लोग एक एक दिन, जो लंका कांड में प्राप्त होती है। विभीषण घबरा जाता है, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा, आप कैसे विजयी होंगे, उसके पास दिव्य रथ है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, पांव में, पांव की रक्षा के लिए जूते नहीं है, पाद त्राण नहीं है, वस्त्र ठीक नहीं है, कवच नहीं है, कैसे जीतेंगे। भगवान ने उपदेश दिया, सखा धर्म मैं असरथ जाके, हे मित्र, इस प्रकार का धर्म रथ जिसके पास में है उसकी सर्वदा विजय हो सकती है, उसका नाम है विभीषण गीता लंका कांड में धर्म रथ का वर्णन है। जगत में अगर आपको विजयी होना है उस रथ को लेके चलो, उस रथ को। 6ठी गीता आती है उत्तरकांड में, भगवान को ऐसा लगा कि मेरी अयोध्या के जितने लोग हैं इनको कुछ समझाना चाहिए, मेरी प्रजा है, मेरे लोग हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन ना जाने क्यों जो मुझसे प्रेम करते हैं इन्हीं अयोध्या के लोगों के चित्त में मुझको जानने की इच्छा नहीं है, मुझ परमात्मा स्वरूप को पाने की इच्छा नहीं हो रही है,
मेरी अयोध्या के लोग ही इनका अपना घर है, इनकी अपनी कृषि है, इनके अपने गोधन हैं, इनका अपना मित्र परिवार है और अपने घर गृहस्थी में इतने ज्यादा रच पच गए हैं कि वास्तविक उद्देश्य को भूल गए। तब भगवान ने सबको बुलाया, एक बार रघुनाथ बुलाए, भगवान ने बिल्कुल ढिढोरा पिटवाया, सब आओ, राजाज्ञा है, राजा की आज्ञा है, सबको राजसभा में उपस्थित होना है, सारी प्रजा आती है, संत लोग आए, सब लोग आते हैं और भगवान ने सबके बीच में सबको उपदेश दिया। नाम है पुरजन गीता, पुरजन सारे अयोध्या के लोगों को उपदेश दिया, पुरजन गीता। उसकी एकाध दो चौपाई आपको याद होगी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। और अंतिम गीता इसमें आती है सातवीं गीता, उत्तर कांड में ही गरुण के मन का संशय दूर हुआ, काक घुसुंडी ने उपदेश दिया, कथा सुनाई। जब संशय पूरा दूर हो गया गरुण के मन का, तो गरुण जी ने फिर काक घुसुंडी से पूछा, भगवान आप ऐसे दिव्य महापुरुष, आपके इस साधना के क्षेत्र में आते ही मेरा मन बदल गया, मेरे मन का संशय निवृत्त हो गया, आपने कथा सुनाई, मेरे हृदय में भगवान से प्रीति बढ़ गई। आप ऐसे महापुरुष कौवे के शरीर में क्यों रहते हो? काक भुसुंडी ने अपनी पूरी कथा सुनाई, मैं कौवा कैसे बना, कौवा कैसे बना, पूरी कथा सुनाई। उसी प्रसंग में आता है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। जब अपनी पूरी कथा सुना दिया काक भुसुंडी ने, बहुत प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने कहा कि एक बार हमारे गुरुजी थे लोमस ऋषि, वो हमको ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, मैंने सोच वो गुरुजी ने सोचा ब्राह्मण का बालक है, इसको ज्ञान का उपदेश करें, सीधे मुक्त हो जावे। जब हमको ज्ञान का उपदेश करते थे तो मैं मन में सोचता था गुरुजी भक्ति का उपदेश क्यों नहीं कर रहे हैं, भगवान राम से प्रेम करना चाहिए, इसका उपदेश क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार भक्ति का पक्ष ले रहा था, गुरुजी ज्ञान की बात बता रहे थे और हमारे दोनों के बीच में मतभेद पैदा हुआ और गुरुजी ने हमको श्राप दे दिया, बहुत कुतर्क करता है, जा पक्षी बन जा। तब से मैं पक्षी हूं। बाद में फिर गुरुजी ने हमको भक्ति का उपदेश दिया। गरुण जी चौंक पड़े, अरे महाराज काक भुसुंडी जी, अगर आपके गुरुदेव आपको ज्ञान का उपदेश कर रहे थे तो आपने ज्ञान को क्यों नहीं ग्रहण किया, भक्ति का पक्ष क्यों लिया? मेरे मन में संशय पैदा हो गया कि भक्ति बड़ी कि ज्ञान, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। यहां से प्रारंभ होता है गरुण गीता, यहां से प्रारंभ हो जाएगा भक्ति और ज्ञान का प्रसंग और अंत में जाकर के सात प्रश्न होंगे गरुण जी के, प्रभो मेरे सात प्रश्न हैं, आप हमको उत्तर दीजिए। सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहो बिचारी। और फिर उसका उत्तर देते हैं। इस प्रकार से रामचरितमानस में सात गीताएं हैं जिनको मैंने केवल प्रसंग वसात आपको यहां लिया। ये सात दिन का हमारा विषय होगा। एक दो चीज और, रामायण देखो, रामायण दो शब्द है, दोनों को जोड़ दिया है महर्षि वाल्मीकि ने, राम धन अयन, राम धन अयन दोनों को जोड़ दिया है तो हो गया है रामायण। पहला शब्द राम, यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। राम माने, दो अर्थ किया है राम शब्द के, रमन्ते सर्वाणि भूतानि यः स रामः, जगत के सृष्टि के कण कण में जो रम रहा है, सृष्टि के कण कण को जो चेतनवान कर रहा है, जिसकी सत्ता से, जिसके प्रकाश से जा रहा सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, उसको हम कहते हैं राम। जग उपेखन तुम देख निहारे,
विधि हरि शंभु न चावन निहारे। सारा का सारा जगत, ये जड़ जगत, पांच महाभूतों से बना हुआ जगत, जिसकी सत्ता से सत्तावान हो रहा है, जो सब में रम रहा है, जो सबको प्रकाशित कर रहा है, वह परब्रह्म ही रामायण में राम शब्द से कहा गया है। जिसको वेद में ब्रह्म कहा, जिसको वेद में ओंकार कहा, जिसको वेद भगवान ने बार बार कहा प्रणवास सर्व वेदेशु, वही रामचरितमानस में राम बन करके है। तो राम माने जो सबको सत्ता दे रहा है, सबको प्रकाशित कर रहा है। और दूसरा अर्थ कहा रमयत इति, जो सारे जगत को आनंद देता है। अरे सारे जगत को आनंद कब मिलता है? हमको आनंद कब मिलता है? जब मैं जिंदा हूं तब ना, जब मैं चेतन हूं तब तो मैं सुखी होता हूं। मैं गहरी निद्रा में हूं और यहीं पर ला करके कोई बढ़िया से बढ़िया चीज रख दे, क्या हम उसको आनंद मिलेगा? मैं मर जाऊं चाहे कोई कितना फूल माला पहनावे, कौन सा आनंद होगा मुझको? अगर जरा सा भी आपको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तो उसी के कारण। वह जो चेतन है, मैं चेतन हूं, जिंदा हूं, तो आप सुखी होते हो। तो सारे जगत को जो आनंद प्रदान देने वाला है, सबको जो रमण कराता है, सबको जो महिमावान करता है, सुख देने वाले का नाम राम। सब में रमे वो है राम, सबको आनंद प्रदान करे वो है राम, सबको सत्ता प्रदान करता है वो है राम, सबको प्रकाशित करता है वो है राम। वही राम अयोध्या में कभी बनकर के आए दशरथ के पुत्र, वो राम जो सारे जगत को सत्ता देते हैं, सबको प्रकाशित करते हैं, सबको आनंदित करते हैं, वही राम भगत की प्रार्थना पर, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए आकर के लीला करते हैं। उन राम की कथा है रामायण में। दूसरा शब्द है आयन, रामायण, राम आयन। आयन का दो अर्थ होता है, आयन का दो अर्थ हुआ। पहला अर्थ तो आप लोगों ने कई बार एक शब्द सुना है, मार्ग के अर्थ में होता है, मार्ग। ये सुना है ना, मरने के बाद दो मार्ग होता है, एक उत्तरायण और एक, अब देखो अर्थ लगा लो, अपने आप संगति लगाओ ना, उत्तरायण और, तो उत्तर आयन दक्षिण आयन। तो आयन का एक अर्थ होता है मार्ग के अर्थ में, ये जो जीव को राम तक ले जावे, आयन माने राम तक जीव को जो ले जाने का मार्ग है, उसका नाम है रामचरितमानस, उसका नाम है रामायण। जीव को ईश्वर तक पहुंचाने वाला जो है, जीव को नारायण से मिला देने वाला जो ग्रंथ है, उसका नाम रामायण, मार्ग के अर्थ में। दूसरा अर्थ होता है आयन का घर, आयन माने घर भी होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एक आलय शब्द होता है, विद्यालय चिकित्सालय, ऐसे आयन का होता है घर। आयन का अर्थ दो अर्थ, मार्ग और घर। राम का निवास स्थान जहां पर है, किसी से मिलना हो तो हमको उसके घर जाना पड़ता है ना। आपको एक, आपको असली बात बताएं, कई बार लोग प्रवचन में हमको सुने या YouTube पर सुना या TV पर सुना, तो उनके मन में एक अपनी कल्पना छा जाती है कि महाराज जी ऐसे होंगे, महाराज जी ऐसे होंगे, ये महाराज जी ऐसे होंगे, अपनी कोई एक वैचारिक भावना बन जाती है। और ढूंढते ढूंढते आया हरिद्वार या लखनऊ आया हमारे आश्रम में, हमको देखा, उस दिन कुर्ता भी नहीं पहने थे, ऐसे हम बैठे थे, और उसने देखा तो उसकी सारी श्रद्धा खत्म हो गई। उसने सोचा था कोई सिद्ध महात्मा होंगे, चारों तरफ से लोग बैठे होंगे, जय जयकार हो, महाराज उसकी श्रद्धा खत्म हो गई। उसके बाद फिर चला गया तो आए ही नहीं दोबारा। हमने कहा अब उस, अगर किसी के स्वभाव को समझना हो, किसी के व्यवहार को समझना हो, उनके गुणों को समझना हो, तो हम उसके घर पर जावें।
हमको किसी के, आप में से किसी के असलियत व्यवहार को समझना हो तो हम आपके कोई नौकर है, कोई आपके घर का छोटा सा बच्चा है, वो आपकी असलियत बतावेगा। क्योंकि वो 10 घंटे तक आपके पास रहता है, 15 घंटे तक आपके पास रहता है, आप 2 घंटे के लिए कहीं गए, आप किसी पार्टी में गए, वो अलग चीज है। लेकिन जो नौकर रह रहा है, जो आपका वो बच्चा रह रहा है, वो आपके व्यवहार को समझता है, हम उससे पूछ लेते हैं, वो असलियत बता देता है इनका व्यवहार कैसा है। ऐसे ही भगवान राम के अगर स्वभाव को समझना हो, उनके चरित्र को समझना हो, उनके गुणों को समझना हो, उनकी महिमा को समझना हो, तो हमको प्रवेश करना पड़ता है रामचरितमानस में, रामायण के अंतर्गत। हमारा रामायण कोई साधारण नहीं है, इसलिए हम रामायण शब्द के 2 अर्थ, राम का घर, राम का घर, और दूसरा अर्थ भगवान राम तक ले जाने वाला मार्ग, उसका नाम हुआ रामायण। श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि ने रामायण शब्द ही लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में है, भगवान वेद व्यास जी ने लिखा, नाम है अध्यात्म रामायण। इस रामायण की महिमा देखो कैसी है, रामायण की महिमा, सतयुग में स्वयं भगवान शिव जी ने रचना किया। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाषा। सबसे पहले भगवान शिव जी ने ही रचना किया, अपने मन में रखा, और जब कभी पार्वती जी ने पूछा जिज्ञासु भाव से, तो भगवान ने पार्वती जी को उपदेश दिया। वो कथा चली, एक कथा सतयुग में, इस सतयुग में भगवान ने सुनाया, पार्वती जी ने सुना। और आश्चर्य तो ये है कि जिस समय पार्वती जी सुन रही थी, वहां पर और ऐसा वर्णन नहीं कि कोई और भी सुन रहा था, कोई समाज नहीं था, कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, भगवान शंकर जी अकेले सुनाने वाले और मां भगवती पार्वती जी अकेले सुनने वाली। सतयुग में जब त्रेता युग आया, तो उसी कथा को हमारे महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने लिखा, जिस समय क्रौंच पक्षी के साथ उनका घटना हुई और वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना किया संस्कृत भाषा में, त्रेता युग। द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी आए, बिना भगवान राम की चर्चा किए हृदय पवित्र नहीं होता, तृप्त नहीं होता, तो द्वापर में भगवान वेद व्यास जी ने भगवान राम की चर्चा किया, नाम है अध्यात्म रामायण। कलयुग आया, देखो चारों युग में भगवान की कथा हो रही, चारों युग। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए 500 साल के लगभग पहले, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। जब तक प्रभु राम की कथा ना सुने ना कहें, अंदर तृप्ति नहीं होती, हृदय संतुष्ट नहीं होता। उन्होंने अपनी लेखनी उठाई और कलयुग में अपनी अवधी भाषा में, उनके साथ कुछ घटनाएं हुई पहले, वो भी संस्कृत में, संस्कृत के विद्वान थे, 12 साल काशी में स्वाध्याय किया था, सूकर खेत में उनको तो केवल दीक्षा दिया था नरहरि दास ने, सूकर खेत में बचपन से उनको पाला था अपने पास में, लेकिन नरहरि दास ने अपने मित्र गोस्वामी से सनातन के पास काशी भेजा और 12 साल तक काशी में रह करके वेद वेदांग का उन्होंने अध्ययन किया हुआ है। और जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी की लगभग माना जाता है शरीर की 75 साल की आयु, 75 साल की आयु हो गई थी, उस समय गोस्वामी जी के चित्त में हुआ, वो जो घटना आप पढ़ते हो सुनते हो कि उनका विवाह हो गया, पत्नी में आसक्त हो गए और फिर वो मुर्दा पकड़ के पार हो गए, सांप पकड़ के चढ़ गए, वो सब तो 20-25 साल में हो गया होगा। वो कितना साधना से पक गया होगा जीवन, कितनी उनकी तपस्या हो गई होगी, अगर 20-25 साल में वो सारी घटनाएं हो गई, नरहरि दास से दीक्षा लेना, काशी में जाके स्वाध्याय करना, फिर उसके बाद विवाह हुआ, फिर उसके बाद त्याग करके जाकर के आगे बढ़ गए,
कुछ और ग्रंथों की रचना किया, लेकिन जीवन के 75वें साल में उनकी लेखनी उठती है और रामायण का पहला श्लोक लिखा, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो बंदे वाणी विनायको। यहां से शुरू किया तो चारों युग में भगवान राम की कथा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। पहला अक्षर है वा, जो गुरु गीता है, गुरु गीता यहीं से समझ लो। गुरु गीता शुरुआत में जो बंदों गुरुपद पदुम परागा, यहीं से गुरु गीता शुरू होती है। तो ये थोड़ा स्तुति का है। पहला अक्षर लिखा वा, क्या गोस्वामी जी की महिमा होगी। सात श्लोक में रामायण की स्तुति है, सात कांड हैं, एक एक कांड की स्तुति के लिए एक एक श्लोक है। आगे बढ़ते जाओगे तो देखोगे अयोध्या कांड में स्तुति में केवल तीन श्लोक होंगे संस्कृत भाषा में, क्योंकि भगवान राम जंगल चले गए तो वहां तीन ही जा रहे हैं, तो उन्हीं तीन की स्तुति हो गई। और आगे जाओगे तो देखोगे फिर उसमें कटौती हो जाएगी, श्लोक में कम कर देंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि वहां मां भगवती का अपहरण हो गया तो फिर अब दो ही रह गए, तो दो ही स्तुति होगी। समय के साथ में गोस्वामी जी बदलते जाते। सात श्लोक में स्तुति है रामायण का। अभी एक बता देता हूं आप लोगों को, ऐसा कुछ विचार बना, संयोग की बात है कि अभी सवेरे हम अभिषेक शुक्ला बैठे थे, अनंतानंद जी वगैरह, तो इनसे चर्चा कर रहे थे रामानंद जी वगैरह से। तो आश्रम में सत्संग होता है प्रतिदिन दोनों समय, सवेरे और शाम को भी। कोई ना कोई बाहर के संत आते हैं 15 दिन के लिए, एक महीना के लिए। हमारे रामानंद जी का जो संतों से संपर्क बना रहता है, तो कभी कभी कोई संत समय दे करके भी नहीं आ पाते, किसी न किसी विशेष सत्संग में उनको जाना हो जाता है। तो अभी जो आज ही गए जो महात्मा थे स्वामी ब्रह्मेशानंद जी, आज ही गए हैं, और कल से कोई महात्मा आश्रम में नहीं है, जो आने वाले थे उनको कोई भागवत कथा कोई और आयोजन में जाना पड़ गया। तो ये विचार किया गया कि हम क्या करें, रामन जी कहा क्या करेंगे, तो हमने कहा ठीक है जब तक मैं हूं तब तक आश्रम में सवेरे मैं ही पढ़ा देता हूं। लेकिन स्वाध्याय होगा, प्रवचन नहीं होगा, प्रवचन नहीं होगा, स्वाध्याय होगा। और मन में था दो उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद का शंकर भाष पढ़ा चुके हैं, केन कठ, और शायद ऐतरेयी का भी पढ़ाया था कभी, वो सब यूट्यूब पर उपलब्ध है। श्वेता सत्र अभी पढ़ाया था, प्रश्न उपनिषद पढ़ाया था प्रयाग के कुंभ में। तो या तो मुंडक और या तो तैतरीय उपनिषद, दो उपनिषद पे मन था। अब अभिषेक और अनंतानंद जो कहेंगे, शंकर भाष के साथ पढ़ाएंगे, और हमारा आश्रम में जो स्वाध्याय होता है उसमें मेरा कुछ प्रारंभ का समय होता है, कब कितने बजे हम छोड़ेंगे उसका टाइम नहीं होता, और संभवतः दो क्लास सवेरे लेंगे 8 से 9, 9:30 से 10:30, और उसके बाद अगर कोई आएगा तो उसके भोजन की भी व्यवस्था रहेगी आश्रम में। तो सवेरे मेरे मन में तैतरीय उपनिषद भी था और मुंडक उपनिषद भी था। तैतरीय उपनिषद एक बार सहजादे लाल ने कहीं सोमनाथ में सत्संग कराया था, जमाने बीत गए, तो उसकी एक बल्ली जो है हमने प्रवचन में सुनाया था, उसके बाद से नहीं सुनाया है ना। तो तैतरीय उपनिषद उसी में आता है, सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उसका। तो वो कल देखते हैं जो आप लोग कहोगे। तो कल सवेरे से आश्रम में सत्संग होगा, दोनों दो क्लास सवेरे 8 से 9, 9:30 से 10:30। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आपको जिज्ञासु बनना पड़ता है, पिपासु बनना पड़ता है, मुझको चाहिए,
मुझको चाहिए। अपने जीवन के उद्देश्य को बदलना पड़ता है। अगर किसी को परमात्मा की प्राप्ति का एक लक्ष्य है, आपको भीतर से शांति चाहिए ना, भीतर से सुख चाहिए ना, भीतर से ज्ञान भक्ति मुक्ति चाहिए ना, जिसको चाहिए वो आगे बढ़ता है, जिसको चाहिए वो आगे बढ़ता है। हम एक एक एग्जाम्पल बताएं, लगभग सभी, थोड़े से लोग नहीं तो ज्यादातर लोग तो परिचित चेहरे हैं। हाँ, मान लो हमारे पास दो शिष्य हैं, चार शिष्य हैं, दो शिष्य हैं, एक शिष्य को हमने डांटा खूब, दोनों को डांटा, मान लो दोनों को डांटा, किसी दिन दो हैं, दोनों को मैंने डांटा, ठीक नहीं है तुम्हारा व्यवहार। तो एक जो है दूसरे झोला उला उठाए जा रहा हूं, घर जा रहा हूं, गुरुजी को देखो, जब देखो तब हमी को डांटते रहते, पता नहीं क्या हो गया है गुरुजी को, 25 लोग हैं और सब भगत लोग आते तो उनसे ज्यादा प्यार से बात करते, उनको केला भी प्रसाद दिया, उनको मिठाई भी दिया और हमको डांटे खिलाते रहते हैं। गुरुजी को वेकम, मैं जा रहा हूं घर, घर ही अच्छा रहूंगा, झोला उठाया घर चला गया। इसका मतलब भीतर तत्व की जिज्ञासा, वो जिज्ञासु नहीं था, ज्ञान का पिपासु नहीं था, वो तो किसी परिस्थिति बसात आ गया था हमारे पास में, कोई परिस्थितियां उसको हमारे पास ले आई थी, कोई घटना विशेष के कारण आया था, किसी और के कारण। समझ में आ रही बात कि नहीं? मान लो उन्हीं दो में से दूसरे को डांटा, उसको भी मुझ पर गुस्सा आया, उसको भी मुझ पर गुस्सा आया, ये गुरुजी अच्छे नहीं है, जब देखो तब हमको डांटते रहते हैं, उठा उठाया झोला, उस मोहल्ले में वो देखो वहां दूसरे गुरुजी रहते, वहां जाता हूं, दूसरे आश्रम में गया, दूसरे गुरुजी के पास में, वहां भी समस्या हुई, तीसरे गुरुजी के पास जाता हूं, वहां भी समस्या हुई, उसको भी छोड़ा, चौथे गुरुजी के पास जाता हूं, कम से कम धक्के ही खाएगा लेकिन मार्ग नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा है दोनों का ना? पहले वाले ने मार्ग ही छोड़ करके फिर से बैक टू पेवेलियन, इसका मतलब वो जिज्ञासु नहीं था, वो साधक ही नहीं था, वो लायक ही नहीं था, वो तो किसी घटना के कारण आया था। और दूसरे वाले ने मार्ग नहीं छोड़ा ना, तब तो ज्ञान का मार्ग नहीं छोड़ा, यहां से नहीं वहां से, आप बीमार हो, आपको दवाई कराने की जरूरत है, एक डॉक्टर से आप नहीं ठीक हुए तो क्या करोगे, घर बैठ जाओगे, एक डॉक्टर से हमने दवाई किया चार दिन चार महीना, दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, तीसरी अस्पताल में जाओगे, चौथे अस्पताल में जाओगे, दिल्ली एम्स में जाकर के आप सिफारिश लगवा के जाओगे, जब तक स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक आप जाओगे ना। तो अगर कोई भटकता है, मैं समझता हूं ये जिज्ञासु था, क्योंकि इसने मार्ग नहीं छोड़ा। समझ में आ रहा है ना? ऐसा अगर आप जिज्ञासु हो, मैं आप में से भक्तों में से भी कह रहा हूं, बहुत सारे मेरे सत्संगी लोग हो, मैंने किसी दिन किसी सत्संगी प्रेमी को, आप सब मेरे अपने हो, मैं सड़क पर जाने वाले को नहीं डांटता हूं, वो मेरा अपना है ही नहीं, जिसके साथ अपनापन नहीं उससे क्या लड़ाई, उससे क्या, वो तो आम आदमी जैसे और है, कोई देखने में मुझको अपनापन लगता है, किसी के साथ अपनापन है, हमने उसको डांट दिया, कोई भगत को नाराज होकर सत्संगे छोड़ गए, अब ठीक है सत्संग छोड़ गया कोई बात नहीं, किसी और महात्मा के साथ जाके जुड़ जाओ, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, चार छह महात्मा, बड़े बड़े महात्माओं का नाम मैं बता दूं, चले जाओ वहां से जाके आगे बढ़ो। लेकिन अब वो क्या कहेगा, सारे महात्मा ऐसे ही होते हैं, देख लिया मैंने महात्माओं के साथ रह करके, देखा एक को देख लिया हमने महात्मा, सब छोड़ा, अरे चलो वही खाओ पियो मौज करो, कहां कौन फंसे पड़े, मार्ग छोड़ दे। अगर कोई मार्ग छोड़ देता है तो वो फिर ठीक नहीं है, लगे रहो, जो जिज्ञासु होगा वो आगे बढ़ेगा, यहां आएगा वहां जाएगा, अमुक जगह जाएगा अमुक जगह जाएगा। तो सवेरे सब आश्रम में सत्संग, शाम को यहां पर। पहला अक्षर है वा, हमारे वेद में अपने शास्त्र में जो हमारी दो परंपराएं हैं आगम और निगम की, आगम परंपरा में सबको एक एक अक्षर में समेट दिया है,
पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को कहना हो तो हम एक अक्षर में समेट देते हैं, पूरे जल को हमको कहना होगा तो एक अक्षर में हम उसको ला देते हैं, उसको हम कहते हैं बीज मंत्र। कभी कभी उसको आप बोलते होंगे ओम होम जूम सह, क्या हुआ, वो बीज मंत्र होता है। तो ऐसे ही पृथ्वी का एक बीज मंत्र, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, मनुष्यों का, ऐसे ही ब्रह्म तत्व तो क्या है, उसका बीज मंत्र है वम। पूरे जो वेद का प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्म, उसका एक बीज मंत्र है वा। उसी वा अक्षर से गोस्वामी जी ने रामायण को प्रारंभ किया और समापन भी ले जाकर के वा अक्षर पर करेंगे। अंतिम शब्द होगा रामचरितमानस का मानवाः, वा अक्षर से शुरू, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद, वा से प्रारंभ और समापन कहां गया, वा पर, उसी से शुरू किया है। और कभी किसी को याद होगा तो हमारे साहित्य में शुरुआत में पढ़ाया जाता है, शुरुआत की दौर में, वागर्था म्यु संप्रक्तो वागर्था प्रतिपत्तये, याद है किसी को श्लोक, तो आप सब लोग तो याद आया ना। ये देखो शुरुआत में पढ़ाया जाता है, कहां से शुरू हुआ, वा अक्षर से, बिल्कुल उसका अनुकरण किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगला वर्ण, वर्णानाम वर्ण, आपने एक अक्षर बोला, एक अक्षर बोला आ, लेकिन एक अक्षर बोलने से अब आपको अर्थ नहीं स्पष्ट होगा, तब आपने दो चार अक्षरों के समूह को बोला, दो चार अक्षर मिला के बोला तो अमरूद, चार अक्षर मिलाया तो हो गया अमरूद, अमरूद इसका नाम हो गया। अब एक अक्षर बोला आ मा, ए अक्षर है, चार को मिला दिया आपने तो एक ए हो गया आपका वर्ण अमरूद। लेकिन अभी भी आप किसी ने कहा अमरूद तो इससे अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, तो हमको कहना पड़ेगा कि अमरूद खाना है, अमरूद खाना है। वैसे हमको पसंद नहीं, नहीं तो कर लेते, आओ बता दे रहे हैं। तो भगत लोगों का प्रेम होता है, तो आपने एक शब्द बोला ना अमरूद, ये क्या है, वर्ण है, अक्षर है अमरूद, चार अक्षर हैं, चारों को मिला करके एक शब्द बना वर्ण। अब इससे अर्थ नहीं निकला तो हमने कहा अमरूद खाना है, तो देखो एक वाक्य बन गए, इसको कहते वाक्य, अमरूद खाना है, मुझको अमरूद खाना है, इतना बोला तो एक वाक्य बना। अब जब ये वाक्य बन गया, आपने कहा हमको प्यास लगी है पानी लाओ, आपने कहा कि हमको अमुक जगह पर जाना है ओ ओला कैब बुला दो, तो पूरा आपने वाक्य बोला तब अर्थ निकलता है। और उस वाक्य का अर्थ अगर आपके चित्त में एक शब्द का भी, एक एक वर्ण का भी अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो अर्थ बिल्कुल आपके चित्त में वो स्पष्ट नहीं होगा। जैसे हमने कहा मुझको अमरूद खाना है, ठीक है, दृष्टांत में किसी ने सारे शब्द सुने, पूरा का पूरा सुना, लेकिन अमरूद कभी देखा ही नहीं था उसने, अब वो क्या समझेगा, क्या समझेगा, कौन सी चीज, हमको काफल खाना है, मुझको काफल खाना है, सबको समझ में आ गया, पूरा समझ में आया। देखो उत्तराखंड के लोग समझ जाएंगे। तो एक एक शब्द का अर्थ, अगर किसी एक शब्द का भी अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो आपको पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं, ठीक है ना। वर्णानाम अर्थ संघानाम, देखो अर्थ संघानाम, ऐसे ही रामचरितमानस में या किसी भी प्रसंग में पूरा जो वाक्य है उसका अर्थ जो स्पष्ट कराने वाली है वो है हमारी मां भगवती सरस्वती जी। बिना उनकी करुणा के आपके चित्त में अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं होता। रसान, अच्छा कोई कभी कभी मान लो आपके चित्त में किसी बात से अर्थ भी स्पष्ट हो जाए, लेकिन हो सकता है उसमें आपको अच्छा ना लगे,
अच्छा ना लगे। किसी ने कहा यहां से चलो, देखो पूरा यहां से जल्दी उठो, क्यों यहां नाले के किनारे हम बैठे हैं, बड़ी बदबू आ रही। तो अब आपने सुना, एक एक अर्थ स्पष्ट हुआ, लेकिन अब आपको पसंद नहीं आया, तुरंत तो रुमाल अपनी नाक पे रखा ना, तो आपको रस नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला। रसा नाम छंद सा, जो मंगल करने वाली हैं ओ माँ भगवती सरस्वती और ओ भगवान गणेश जी महाराज, जो हमारी बुद्धि के देवता हैं, उन दोनों को मैं वंदना करता हूं। बहुत ये पहला श्लोक बहुत गंभीर है, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, इसमें पूरा उपनिषद आता है। सारा जगत शब्दमय है, देखो अब हम पूरे जगत को कह रहे हैं, पूरी सृष्टि शब्दमय है। सारा का सारा शब्द, जितने शब्द हैं वो तीन व्याहृति में समा जाता है, भू भुआ स्व। तीन शब्द बोला ना, भू माने क्या हुआ, भू माने पृथ्वी, भुआ माने अंतरिक्ष, स्व माने स्वर्ग, सब जिसको कहते हो आकाश पाताल सब, भू भुआ स्व, तीन व्याहृति में सारा जगत समा जाता है। और तीनों व्याहृति जाके एक शब्द में समा जाता है, ओंकार, ओम में। तो सारा का सारा जगत शब्दमय है, शब्द के अलावा कुछ भी नहीं। नाद है, हम हमारी एक दर्शन की प्रक्रिया है, उसको हम कहते हैं नाद ब्रह्म, केवल नाद। इसीलिए जब कभी शब्द बोलो तो बहुत सावधानी पूर्वक बोलो, कोई शब्द बोलो ध्यान पूर्वक बोलो, ऐसा शब्द मत बोलो जिससे फिर इस सारी समष्टि में, सृष्टि में कोई समस्या पैदा हो। हाँ, पहला श्लोक गणेश जी और मां पार्वती, सात श्लोक है दोनों श्लोक में, फिर दूसरे श्लोक में मां भगवती पार्वती और शंकर जी के लिए वंदना है, वो हमारी श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। तीसरे श्लोक में भी शंकर जी का वर्णन, देखो दो श्लोक में, दूसरे श्लोक में भगवान शिव का वर्णन है कि बिना उनकी कृपा के स्वअंतः स्थितम ईश्वरम, शुरुआत से ही गोस्वामी जी की भाषा समझिए, याभ्याम बिना न पश्यंती। मां पार्वती श्रद्धा के स्वरूप हैं, भगवान शिव विश्वास के स्वरूप हैं, हम उन दोनों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिनके बिना, जिनके बगैर, श्रद्धा और विश्वास के बगैर उस परम परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। कौन परमात्मा, जो अंतस्थ, स्वअंतस्थ, अपने ही भीतर जो ईश्वर है, उसका दर्शन नहीं होगा। बिना श्रद्धा विश्वास के उस परमेश्वर का दर्शन नहीं होगा जो कहां स्थित है, स्वांतः, अपने ही भीतर स्थित है, उसका दर्शन कर। ये दूसरा श्लोक आप लोग रामायण घर में उठाना पढ़ना। तीसरे श्लोक में भगवान शिव की वंदना किया लेकिन रूप बदल गया, पहले इसमें उनको विश्वास का स्वरूप बनाया और तीसरे श्लोक में वो जगत गुरु हैं, सारे जगत को ज्ञान देने वाले, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, गुरु रूपी जो हमको ज्ञान प्रदान दे करते हैं। और गुरु का काम है यही तीन काम है उनका, आपके जैसे आप लोग अग्नि जलाते हो, कभी अग्नि जलाते हो तो गुरु का, अग्नि को और गुरु के साथ जोड़ा गया। आप आग जलाते हो तो पहले ही यूं आग जलाई और फिर थोड़ी देर तक उसको बचाए रखना चाहोगे, सुरक्षित रहे, जिससे हमारा काम चले, जैसे हमारा भोजन बने, तो उसको आपको बचाया, उसमें थोड़ा पतली पतली लकड़ी डालोगे, जो लोग चूल्हे पे कभी बनाए हों, छोटी छोटी लकड़ी डालोगे, बाद में मोटी लकड़ी डालोगे, और जब आपका कार्य हो गया तब, भोजन पक गया, काम हो गया तब, तो आप अब उस अग्नि को वहां पर बुझा दोगे। ऐसे भीतर जो ज्ञान की ज्योति जलाते हैं वो गुरु, जो भीतर आपके उस ज्ञान को सुरक्षित भी रखना चाहते हैं ये समाज से, परिस्थितियों से, और जो भीतर के अंधकार का, अविद्या का नाश करते हैं वो गुरु, ये काम करते हैं, इसलिए उनको मैं प्रणाम करता हूं, ओ भगवान शिव जी को। फिर अब देखो एक श्लोक में फिर से गोस्वामी जी ने दो वंदना कर दिया, महर्षि वाल्मीकि ऋषि को और हनुमान जी को। कवीश्वर, कवीश्वर माने वाल्मीकि, कपीश्वर माने हनुमान जी, दोनों की वंदना, क्यों, दोनों का स्वभाव है कि भगवान की चर्चा में मन लगता है,
उनका हृदय भगवान से प्रेम करता है तो भगवान की कोई चर्चा सुनावे तो प्रसन्न हो जाते हैं। संसार की चर्चा सुनाया हृदय दुखी। हे प्रभु, हे प्रभु, भक्त ने प्रार्थना किया भागवत में, हे प्रभु हमको अगर जन्म भी मिले तो ऐसी जगह पर मिले जहां पर कोई सत्संगी हो, साधक परिवार हो, ऐसी जगह पे हमको जन्म ना मिले, ऐसे लोग हमको ना मिले जिनका चित्त संसार उन्मुखी हो, दुनिया में फंसा पड़ा हो, दुनिया की चर्चा हमको सुनने को ना मिले। वेद भगवान का अन्य वाचा विमुंचत, अन्य वाचा विमुंचत, संसार की चर्चा जितना हो सके इसी समय छोड़ दो, अपने आत्मस्वरूप। एक हमारे वाल्मीकि ऋषि हनुमान जी दोनों करते हैं। पांचवें श्लोक में मां भगवती सीता जी का वर्णन है। सीता जी कौन है? एक संस्कृत में श्लोक भागवत का है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतु, बिल्कुल उसी का अनुवाद यहां पर किया। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम, ये सारे जगत की उत्पत्ति मां भगवती सीता प्रकृति के द्वारा होता है, संचालन उन्हीं के द्वारा होता है, सबका प्रलय वो अपने में कर लेती है। उन मां भगवती सीता को मैं प्रणाम करता हूं। और जो छठे श्लोक में राम जी की वंदना किया तब तो कह नहीं क्या, शुरुआत ही कर दिया कि ये जो प्रकृति सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर रही है, जिसको हमने पांचवें श्लोक में वंदना किया, इस प्रकृति के वो स्वामी हैं। यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम, ये माया जिनके बस में रहती है, सब जगत को चलाने वाली माया और माया के स्वामी राम, उन राम, वो राम कैसे हैं, वो राम कैसे हैं, पूरा वर्णन किया। और वर्णन करके वही वर्णन, जिनकी सत्ता से जगत सत्तावान है, जिनके प्रकाश से जगत प्रकाशित है, जिनके आनंद से आप सब आनंदित हैं, वो राम अधिष्ठान अत्यन, जिनके ऊपर सारा जगत रस्सी पर सर्प के जैसे दिखाई पड़ता है, उन राम की मैं वंदना करता हूं। जो मैं रामायण लिखने जा रहा हूं, इस रामायण में तमाम पुराणों का सार होगा। जैसे शिव पुराण की कथा है, शिव पुराण की कथा में नारद मोह का प्रसंग है। नारद मोह का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है, अध्यात्म रामायण में नहीं है, नारद मोह वाला प्रसंग जो है वो शिव पुराण का ला करके गोस्वामी जी ने इसमें रखा रामचरितमानस में। ऐसे प्रताप भानु की कथा कहीं और से ले आए, कोई और कथा कहीं और से ले आए, तो कहते नाना पुराण निगमागम। जैसे आप बगीचे में जाते हो तो दो फूल यहां से ले लिया, चार फूल वहां से ले लिया, पांच फूल वहां ले लिया, और सारे फूलों को मिला करके गुलदस्ता बनाते हो और ले जाके किसी को अर्पित करते हो, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। बिल्कुल उसी प्रकार से मैंने श्रेष्ठ श्रेष्ठ विषय को सुन चुन लिया है और अपने रामायण में रखा है। कहां से? आगम से भी और निगम से भी। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगततम क्वचिदन्य, कुछ मैंने अपनी तरफ से भी अपने अनुभव की बातें भी लिख दिया है। किस लिए? स्वांता सुखाय, बस मेरा हृदय अच्छा हो। अगर हम कथा सुनते हैं सुनाते हैं, इसीलिए मैं अपने हृदय को पवित्र करना चाह रहा हूं अपने सुख के लिए, अच्छा लगता है, मैं प्रभु की कथा करने चाह। इसके बाद पांच दोहे लिखते हैं गोस्वामी जी। ये संस्कृत में सात श्लोक में स्तुति है, पांच दोहे हैं, और उसके बाद जो गुरु की वंदना है केवल आठ लाइन, वही गुरु गीता है। जो सुमिरत सिद्धि होई घन नायक करि भर बदन, करउ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुँह कहोई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उर धाम
सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाय दीन परने करो कृपा मर्दन मयन वंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर सियावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय भोलो भई सब संतन की। ये पांच सोरठा है, ये पांचों सोरठे में वही जो संस्कृत में वंदना है स्तुति वही वो हिंदी में हो गया है। इसमें गणेश जी की वंदना है, भगवान शिव की वंदना है, भगवान नारायण की वंदना है, गुरुदेव की वंदना है। और जो ये चौपाई शुरू होती है यही से गुरु गीता है। बंदो गुरु पद पदुम पराग सुरुचि सुवास सरस अनुराग अमीय मोरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण घन बस करनी श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उरयावै जासु उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भवर जनी के सूझहि राम चरित मनि मानिक गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक जथा सुवंजन यांजिद्रिक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भोरि निधान सियावर राम चंद्र की गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यमीय दृग दोष विभंजन तेहि कर विमल विभेक विलोचन वरनउ राम चरित भव मोचन। बस इतना वरनउ, देखो आया वरनउ राम चरित भव मोचन, यहां पर आगे की भूमिका शुरू हो गई। हम अपने गुरुदेव का स्मरण करके उनके चरण नख की वंदना करके भगवान श्री राम की कथा का वर्णन करने जा रहे। अब गुरु की महिमा तो अपनी है ही। बस एक चीज समझ लो, इतना मैं कह सकता हूं, बहुत ज्यादा जो है क्या कहूं, इस जगत में अगर कुछ है तो कुछ मिलता है तो सेवा से मिलता है, समर्पण से मिलता है। कुछ भी मिलता है आपको सेवा से समर्पण, आपकी आपके भीतर जो और कुछ करते हैं उससे बाह्य वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। आप बाहर से परिश्रम करो, बाहर से जो है बहुत सारा अन्न इकट्ठा कर लो घर में, हो सकता है। लेकिन आप चार भूखे आदमी को भोजन करा करके और फिर इकट्ठा करने के बाद अपने दिल की स्थिति को तौलो, और चार भूखे लोगों को भोजन कराने के बाद अपने दिल की स्थिति को देखो, आपका हृदय कब सुखी होगा? अपने हृदय को देखो,
आपके हृदय में एक आनंद की लहर उठेगी कि आज हमने कुछ श्रेष्ठ काम किया। बस वो जो भीतर की आनंद की स्थिति है, लहर है, वो तो सेवा से, वो समर्पण से। बंदों गुरु पद पदम परा, जो भी आगे बढ़े, मैं इतना कह सकता हूं, जो भी आगे बढ़े हैं किसी भी मार्ग में, अपने मार्गदर्शक की, अपने पथ प्रदर्शक के ऊपर उनका दृढ़ विश्वास रहा है, दृढ़ श्रद्धा रही। केवल अध्यात्म नहीं, और भी मार्ग में मैं कह सकता हूं, दूसरे भी मार्ग में जो आपको रास्ता बताते हैं, जो आपकी उंगली पकड़ के आगे चलना सिखाते हैं, क्या कहना, और फिर जो हमको ये जीव भाव से लेकर ब्रह्म भाव तक ले जाते हैं, जो हमारी अविद्या की ग्रंथि का उच्छेद करके ब्रह्म तत्व से एकीभूत करा देते हैं, उन गुरु की महिमा को कैसे बखान करें हम। ज्यादातर तो सारा का सारा जनमानस इस शरीर को ही माने बैठा है ना, ये देह ही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं, ये घर परिवार मेरा है। वो गुरुदेव की कृपा थी कि जो शरीर भाव से उठा करके आत्मभाव तक ले गए, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो चेतन हो, तुम तो अजर अमर हो, तुम तो नित्य मुक्त हो, तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो। वो जो गुरु का उपदेश होता है उसका कोई ऋण मोचन नहीं हो सकता, उसका कोई कर्जा उतार नहीं सकता जी। बंदों गुरु पद पदुम पर, हम अपने ऐसे गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। मेरी अनुभूति है, मैं जानता हूं, कोई माने चाहे ना माने, वो अपनी अपनी बात है। जिसकी जिसकी जितना श्रद्धा हो, गंगा जी बह रही हैं, जिसका जितना बड़ा पात्र होगा जल लेके आ जाएगा, लुटिया भर होगा लुटिया भर लाएगा, घड़ा होगा तो घड़ा भर लेके आएगा, गंगा जी तो प्रवाहित है। लेकिन मेरी अपनी अनुभूति है, एक दृष्टि है, एक उनका स्नेह है, एक उनका आशीर्वाद है। बंदों गुरु पद कैसा है, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो कई बार जो है हमारे पास आने में उनको डर भी लगता है। अजय बी के सिंह कह रहे थे, आप पता नहीं कब जो है ब्लास्ट हो जाओ। अजय कह रहे थे जो है पता नहीं कब जो है आपको उखड़ जाओ, ब्लास्ट हो जाओ। फिर भी देखो, अगर आपको कहीं पर कोई चीज अच्छी लगे, कोई चीज अच्छी लगे, तो कोई आदमी आपको बीच में रोकता है तो भी आप जाते हो ना। पुराने जमाने में कोई पिक्चर का टिकट काउंटर से लिया है कि नहीं? नहीं लिए हो? हाँ, कुर्ता फटा है कभी पिक्चर टिकट खरीदने में? लंबी लाइन होती थी और इतना धक्का मुक्का कि मुझको अभी भी याद है पुराने जमाने में जो है पुरानी पुरानी पिक्चरें लगती थी उस समय, वो इतनी लाइन लगी थी और कोई कोई उसके सबके सिर के ऊपर से जाके घुसा देता था। हाँ, ओ महाराज, कॉलेज के लड़कों का जो है ऐसे कहाँ, 20 आने का टिकट था, 20 आने के रुपए 20 पैसे कैसे, और ऐसे और उसमें इतने में 5-5 हाथ लगा हुआ है। क्यों आप इतना धक्का खा के क्यों टिकट खरीद रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको वहां पर लग रहा है कि आनंद मिलेगा, सुरुचि। जब आपको कहीं पर अच्छा लगता है ना, तो थोड़ी सी तकलीफ पर ध्यान नहीं देते हो। अगर आपका परम हित होने वाला है, अरे अस्पताल में जाके किसको अच्छा लगता है? अस्पताल में जाने पर किसी को नहीं अच्छा लगता, मुझको भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन क्योंकि वहां पर मेरा हित होगा, मेरा स्वास्थ्य लाभ होगा, मेरी बीमारी दूर होगी, तो मैं जाता हूं, घंटे भर लाइन में खड़ा रहता हूं। तो अगर आपको अपने संसार रूपी बीमारी को दूर करना है, भाव सागर को दूर करना है, तो थोड़ा बहुत, और संतों का स्वभाव होता है, मैं तो बहुत सीधा हूं, कई बार मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं मैं बहुत सीधा हूं। कई महात्मा संसा मारा करते थे, संसा समझते हो ना? नहीं? स्वामी दयानंद सरस्वती यार समाज के संस्थापक, उनके गुरुजी का नाम बिरजानंद था, प्रज्ञा चक्षु थे, प्रज्ञा चक्षु
एक बाहर की आंखें नहीं थी, चारों वेद कंठस्थ थे उनको, चारों वेद याद थे। और गुस्सैल इतना कि उठा के संस्था मारते थे, पानी लाने में जरा सा देर हुई वृंदावन में रहते थे और मार दिया संस्था, जिंदगी भर उनके निशान बना रहा स्वामी दयानंद को, कम से कम मैं इतना डंडा तो नहीं मार रहा हूं किसी को, ठीक है ना। तो वंदो गुरु पद पद्म पराग सुरुचि सुबास सरस, आगे पढ़ो, गुरुदेव की महिमा ऐसी है। कैसा अमीय मूरिमय, अमी मूरिमय माने ओ एक ऐसी जड़ी बूटी है, वहां जाने पर आपको एक ऐसी जड़ी बूटी मिलती है, संजीवनी बूटी। आपके घर में जो रहते रहते समाज में जो मन में विक्षेप है, जो चिंताएं हैं, वहां जाकर के आप थोड़े हल्के हो जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा, आपको अंदर से एक चलो सहजता मिलती है। हाँ, अमृत जैसा अमीय मूरिमय चूरन चारु, आपके संसार के सारे दुख निसंदेह रूप से छोड़ना नहीं है, इस मार्ग को छोड़ना नहीं, भक्ति के मार्ग को छोड़ना नहीं, सत्संग को नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। कभी उकताओ मन, कम से कम गुरु के पास बैठ के इतना सीखो कि उकताओ मत, इसमें प्रबल धैर्य चाहिए। कितना धैर्य चाहिए, योग दर्शन में बताया कि जैसे कोई कुश लेके समुद्र के किनारे बैठ जाए और कुश को यूं डुबो करके और एक बूंद बाहर रखे और कोई पूछे क्या कर रहे हो तो कहे कि मैं तो इस कुसा की नोक से पानी निकाल निकाल के समुद्र को सुखा रहा हूं। तो जितना धैर्य उसके भीतर है उतना धैर्य साधन के मार्ग में होना चाहिए, बहुत थोड़े से भी उकताना नहीं चाहिए। अरे हम तो इतना कर लिए, बहुत हो गए कर। बड़े बड़े महात्माओं को आज भी वर्तमान में आपको चलो मैं बता देता हूं, मिला देता हूं, कई बार आश्रम में बड़े बड़े महापुरुष लोग का दर्शन किए हो आप लोग, स्वाध्याय में लगे रहते हैं, देखो तो जाप कर रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं, क्यों? एक से एक महापुरुष लोग। इसलिए इस साधन के मार्ग में उकताना नहीं, लगे रहना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, छोड़ेंगे नहीं मार्ग किसी के। हाँ, कह दिया, दलन मोह तमसो सुप्रका बड़े भाग उर आवे, किसी के भाग्य होते हैं जी बहुत बड़े। एक देखो, एक चीज और समझना, ये बात आप जिसको कहते हैं गांठ बांध के रखना, पाप दिखाई नहीं पड़ता, क्रिया दिखाई पड़ती है, पुण्य दिखाई नहीं पड़ता। आप अग्नि में आहुति डाल रहे हो, ये क्रिया है, ये क्रिया है, ये दिखाई पड़ेगा आपकी उस क्रिया से, पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है वो आपको नहीं दिखेगा, पुण्य पाप नहीं दिखता। दक्ष प्रजापति भी आहुति दे रहा था ना, पुण्य है कि पाप? दक्ष प्रजापति यज्ञ में आहुति दे रहा था तभी तो ना, लेकिन उसके यज्ञ का विध्वंस किया गया स्वयं भगवान शिव के द्वारा, इसका मतलब उसका यज्ञ वो बहुत श्रेष्ठ नहीं था तभी तो विध्वंस किया गया। रावण भी आहुति दे रहा था, मेघनाथ भी आहुति दे रहा था, तो क्रिया क्रिया जो दिखाई पड़ती है वो क्रिया से पाप पुण्य को जो है तौला नहीं जा सकता। पाप आपको नजरों से नहीं दिखाई पड़ेगा, पुण्य आपको नजरों से नहीं दिखाई पड़ेगा, ये अदृश्य होता है, क्रिया दिखती है। आपको दिखाई पड़ा कि एक आदमी उठा के दूसरे को पटक के मार रहा है, ये क्रिया दिख रही है, लेकिन क्या पता वो पाप है कि पुण्य, निर्णय नहीं कर पाओगे, क्योंकि पाप पुण्य दिखेगा नहीं। आगे हम प्रसंग में लेंगे जब आएगा, तो हमारा इतना कहना, पाप अदृश्य है पुण्य भी अदृश्य है, तो पाप और पुण्य का फल भी अदृश्य होता है, अदृश्य होता है। ऐसे सत्संग में आप आए हो, क्रिया है, आप घर से चल के सत्संग में आए हो, आपके पांव चल के आए हैं, ये आपकी क्रिया है, दिख रही है आप सत्संग आए हो, लेकिन इससे कितना पुण्य हुआ ये आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। वो पुण्य हमको भविष्य में जाकर के जब फलीभूत होने लगता है, कभी कभी लोग कहते थे कि दादा पेड़ लगावे और पोता फल खावे, ऐसा भी कहते थे तो अखरोट आदिकर, तो ऐसे ही ये पुण्य का जब फल मिलने लगता है सुख, तब अनुभव में आता है जी।
भाग्यवान होते हैं जिनके भीतर ऐसे विचार जगते हैं, मैं मंदिर की स्थापना करूं, मैं कथा का आयोजन करूं, मैं भगवत चर्चा करूं। और पता नहीं सृष्टि का कैसा विधान है, सृष्टि का कुछ ऐसा विधान है, मैं साफ साफ कह सकता हूं कि जो भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं, जितने भी श्रेष्ठ कार्य करते करने वाले लोग होते हैं, उनके जीवन में थोड़ी उठापटक होती है, हलचल होती है, घबराना नहीं चाहिए। धर्म का पालन करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर को दास बनना पड़ता है, जंगल में भिक्षा मांगनी पड़ती है, अज्ञातवास में रहना पड़ता है, राम जी को वनवास में जाना पड़ता है। बड़े बड़े श्रेष्ठ महापुरुष जो भी धर्मात्मा है उनके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, सबके जीवन में। कभी हो सकता है आप किसी लायक थे, आपको नहीं प्राप्त हुआ, जिस पद के लायक थे वो नहीं मिला, जो मिला वो हमारे अनुकूल नहीं था, सब हो सकता है। फिर भी हम इस धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, बड़े भाग और आवे जासो, ईश्वर की कृपा होती है जी, बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा होती है, सदगुरु की कृपा। हम लोग चार कृपा कहते हैं, उस पर ध्यान रखना, चार कृपा। ईश्वर की कृपा सब पर बराबर है, जैसे बरसात होती है, बरसात होती है सबके लिए बराबर है, ईश्वर की कृपा सब पर बराबर है, कम ज्यादा नहीं होती ईश्वर की कृपा। संत की कृपा सब पर होती है, जैसे ईश्वर की कृपा वैसे संत की कृपा। तीसरी कृपा होती है जिसका नाम है शास्त्र की कृपा, ये सब पर बराबर नहीं होती, शास्त्र की कृपा। ईश्वर कृपा आप सब पर है, कृपा ना होती तो यहां आते ही नहीं, भगवत कृपा ना होती तो यहां बैठ ही नहीं सकते थे, बहुत बड़ी कृपा है। संत की कृपा है जी, हो सकता है आपके दादा दादी कभी संत के पास गए होंगे, माँ पिता गए होंगे, आपके घर पे संत आए होंगे, आप संतों के संपर्क में आए होंगे, आप सत्संग में हमारे पास आए होंगे, आप पर संत की कृपा है, बरस रही है। ये दो कृपा में कभी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईश्वर कृपा हम पर कम है या संत कृपा, ये दोनों है। तीसरी वाली शास्त्र कृपा पर थोड़ा सा विचार करना पड़े, शास्त्र कृपा। और चौथी कृपा तो है उद्धरेतात्मनात्मानम नात्मानम, आप अपनी ऊपर थोड़ी कृपा करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, एक ग्रंथ पढ़ लियो, एक और पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करो, गुरु की महिमा उनके ज्ञान से है, गुरु की महिमा उनके आशीर्वाद से है, गुरु का जो हमारा सानिध्य है। आप कभी एक, मैं सरल भाव में कह रहा हूं, आप कभी आश्रम में जाओ या गुरु जी के पास जाओ तो वैभव और व्यवस्था को जो है उससे मत तौलो, उससे मत तौलो, उनके ज्ञान से तौलो, उनकी रहनी सहनी से तौलो, उनके शास्त्र की निष्ठा से तौलो। किनके पास कितना बड़ा आश्रम है, किसके पास कितना बड़ा पद है, किसके पास कितना बड़ा गाड़ी है, हमारी चर्चा गाड़ी से होती, हद हो गई। अरे मैं तो पैदल चलता था इसी लखनऊ में, तो बाहर की व्यवस्थाएं बाहर, आप उनके उस ज्ञान को ग्रहण करो, उनके स्वभाव को देखो, आप उनसे सीखो। वो साथ में रहते रहते अनुभव होगा, साथ में रहते रहते अनुभव होगा, आप ग्रहण करो, आगे बढ़ सकते हो तो आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ो, खूब अपने ऊपर अपनी कृपा करो। ए हमारी अगर कोई कीमत है तो मैं आपको शास्त्र का उपदेश कर सकता हूं, शास्त्र को समझा सकता हूं, आपके भीतर की अविद्या की ग्रंथि को बता सकता हूं कि यहां आपके भीतर एक ग्रंथि है, एक ग्रंथि। हम बता सकते हैं कि जीव क्या है, हम बता सकते हैं कि जीव बंधन में कैसे पड़ा है, हम बता सकते हैं कि मुक्ति का उपाय क्या है, इससे मेरी कीमत है, गुरु की कीमत इससे होती है, बाहर की व्यवस्थाओं से नहीं, इसी से कीमत। हम बता सकते हैं कि आपके भीतर साधना में कहां बंधन आ रहा है, कहां साधना में प्रतिबंध, कहां रोड़ा कहां आ रहा है,
आपकी साधना कहां पर रुक रही है ये बता सकते हैं। यही गुरु की महिमा है और क्या, चाहे हम हो चाहे कोई दूसरा आचार्य हो चाहे कोई तीसरा आचार्य हो, ऐसे गुरुदेव जो हमारे गुरुदेव हैं उनको हम अपने ध्यान में रख करके, और फिर मैं भगवान राम की कथा सुनाने जा रहा हूं। एक गुरु गीता में हम बस इतने कह सकता हूं कि यहां पर गुरुदेव की कृपा पर बहुत जोर है। चार कृपाएं होती हैं, ईश्वर की, संत की, शास्त्र की, आपकी अपने ऊपर। ये चार कृपा हम लोग, ईश्वर की कृपा बिल्कुल बराबर है, संत की कृपा बराबर है, कहीं न कहीं जो है हमारे भीतर अपने ऊपर थोड़ा अपनी जिज्ञासा अपनी लगन को अपने आप को बढ़ाओ, खूब आगे बढ़ाओ। अब चूंकि गुरुदेव का विषय था इसलिए मैंने ऐसे कुछ बातें अपने साथ जोड़ के बता दी। हाँ, आपको अपनी साधना पर देखना है, मेरी साधना के अनुकूल गुरु जी ने हमको समझाया कि नहीं समझाया। हमने कोई प्रश्न पूछा, एक हमारा कोई शिष्य, हमारे कोई शिष्य में बता रहा हूं, 3 साल में उसने कभी हमसे एक शब्द नहीं पूछा कि गुरु जी इस श्लोक का क्या अर्थ होता है, इस श्लोक का क्या मतलब है, या साधना में क्या करूं या अमुक क्या करूं, एक श्लोक का नहीं पूछा। हा? आएगा अमुक कार करेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो फलाना लड़का ऐसा, अमुक खराब, वो दुष्ट है, उसको निकाल दीजिए, उसको बुला लीजिए। तो अगर 3 साल में वो एक बार नहीं पूछता कि इस श्लोक का क्या अर्थ है, हम जाप करते हैं तो जाप करने में हमारा मन नहीं लगता, क्या उपाय करें, हम पूजा संध्या बंदन कैसे करें, हम ध्यान कैसे करें, तो वो नहीं पूछता, तो इसका मतलब कि अभी उसके भीतर उतनी लगन नहीं है ना। हमारा जो गुरुत्व तो है उस साधना के कारण है ना, वो मिल जाए, आप आगे बढ़ो। मैं आप सभी को आज पहला दिन था आशीर्वाद देता हूं। गुरु गीता बहुत छोटा सा है, इसमें गुरुदेव की महिमा का वर्णन है, एक एक चौपाई का अर्थ लिखा हुआ है, सरल सा है, लेकिन आगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे गंभीर होता जाएगा, आगे का प्रसंग गंभीर हो जाएगा। आज यहां पर हम इस कथा को विश्राम दे रहे हैं, भगवान की कृपा आप सबको मिले, और कल का प्रसंग थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, इसी में भगवान शंकर जी से पार्वती जी पूछती हैं और कुछ ऐसी बात पूछ बोल देती हैं, भगवान शंकर जी को अच्छा नहीं लगा। पार्वती जी ने कहा ये राम कोई और होंगे, राम कोई और होंगे जो अयोध्या में आए हैं, जिनकी लीला को देख करके मैं भ्रमित हो गई, ओ राम जिनका आप स्मरण करते हो कोई और होंगे, जिनका आप स्मरण करते हो वो ब्रह्म राम कोई और होंगे, और जिनकी लीला देख के मैं भ्रमित हुई थी सती रूप में वो राम कोई अयोध्या के राजकुमार और होंगे। और इस बात को भगवान ने कहा मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और फिर भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, भगवान कौन है, भगवान का क्या स्वरूप है। तो हम लोग कल शिव गीता का बोले, सच्चिदानंद भगवान की जय।